घर के सामने, वैसे देखा जाए तो मेरे घर के सामने भी घर है, पीछे भी घर है, राइट साइड लेफ्ट साइड चारों तरफ घर ही घर है, पर घर का बनाना कोई आसान काम नहीं, दुनिया बसाना कोई आसान काम नहीं। वाकई आज के जमाने में घर बनाना आसान काम नहीं है। अब हीरानंदानी बिल्डर्स की बात और है, बिल्डिंगें तो बनती रहेंगी पर इसे घर बनाना हमारा काम है। तो अभी आप सब में से मैं पूछना चाहती हूँ, प्लीज हाथ उठाइए, कौन कौन से लोग 6 या 7 साल के से ज्यादा रह चुके हैं हीरानंदानी एस्टेट में? ओके, तो वेदर आई शुड कम और आप आ जाइए, प्लीज 1-2 लोग आ जाइए, विल हैव सम फन। आप नहीं आएंगे तो मैं आ जाऊंगी। प्लीज हाथ उठाइए। ओके, दोनों में एक थोड़ा सा स्मॉल गेम हो जाए, प्लीज खड़े हो जाइए, प्लीज प्लीज शर्माइए मत, अपना ही है, अपना ही इलाका है। ओके, आपका नाम? मुग्धा पांडे। आप कितने साल से यहाँ पे रह चुके? ऑलमोस्ट 14 ईयर। ग्रेट। आपका नाम? बीना। 12 साल से। मैं पूछती हूँ आपको, 5 सेकंड के अंदर आप एक बिल्डिंग का नाम बताइए जो हीरानंदानी एस्टेट के अंदर है, और आप एक बिल्डिंग का नाम फटाफट रैपिड फायर राउंड जैसे 5 सेकंड्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। काय। ऑडियंस प्लीज सुनिए, ये सही बोल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा साल ले रही हूँ यहाँ पे। आल्टन। ग्रीनवुड। हिलग्रे। जेसबर्ग। कैपरी। विलिंगटन। कैपरा। कनोसा। ब्रुकलिन। वेलिंगटन। जास्पर। जास्पर रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं, एक बार दोनों के लिए जोरदार तालियां प्लीज। चलते हैं फिर हीरानंदानी एस्टेट के गलियों में सैर करते हैं। देखा हुआ सा है, जाना पहचाना सा है, क्या नाम दें इसे, सुकून या खूबसूरती की मिसाल, बहारे चमन या हरियाली चाल। हीरानंदानी एस्टेट मुंबई के करीब है, शोर वोर से दूर है, एक सुंदर सा टाउनशिप, ये तो मानो हूर है, यहाँ की फिजाओं में ताजा एहसास है, दूर दूर से आए हैं पर रहते पास पास है, इतने सारे बिल्डिंग पर खुली खुली राहें, स्वागत करती है हम सबका हीरानंदानी की बाहें, हर नजर में ब्रांड है हीरानंदानी एस्टेट, पॉकेट पे भी भारी है हर चीजों का रेट, हीरानंदानी नाम तो है ही मशहूर, यहाँ रहने वालों के दिल में है तेरा सुरूर, चारों ओर कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग की भरमार है, बड़े बड़ों की ख्वाहिशों का सुख सुविधा एट पार है, क्लब हाउस गार्डन स्कूल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हर फैमिली के जरूरतों को रखे ऑन एपेक्स, पर सोचा है क्या बच्चों के खेलने का क्या इंतजाम है, उंगलियों में गिन सकते हैं 1 या 2 मैदान है, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में खेले तो वहां गड्डियों का ढेर है, गेट के बाहर नहीं जाना है, गेट के पास नहीं जाना है, कार के पास नो प्ले, कहाँ खेलेंगे बेचारे, खेलते खेलते एक मारा सिक्सर लगी कार के विंडो पर, भागे भी तो कहाँ ये बच्चे, डर के बैठे मन के सच्चे, घर के शीशों को तोड़कर शायद कोई बन जाए तेंदुलकर, खिड़कियों के भी स्टाइल है, ग्रिल का नहीं है कोई इंतजाम, फैशन के चक्कर में यारो छोड़ गए सेफ्टी का काम, घर की चाबी घर भूल गए लेना अपने साथ, चाबी वाले की तो निकल पड़ी 5 मिनट में 500 रुपए गए उसके हाथ, का जोश वॉक योगा और सेहत बनाने का फोर्स, लगे रहते हैं वो हरदम, धूप हो या बारिश हो जिन्हें सेहत बनाने की ख्वाहिश हो,
वॉलीबॉल, फुटबॉल मैचेस, बैडमिंटन टूर्नामेंट सोसाइटीज में होती है हेल्दी कंपटीशन का एलिमेंट। होली हो या नवरात्रि, न्यू ईयर हो या डांडिया, हर रंग में डूब के नाचे सब ताता थैया। आज भी हम साथ हैं गणपति बप्पा मोरिया। फैशन शो के जलवे हो या क्रिएटिव कॉम्पिटिशन्स, सबके मन के साथ चले हिरवा के सॉल्यूशंस। एक दिन सुनने को मिला लपड़ इन हीरानंदानी एस्टेट, सबके होश उड़ा उड़ा के घूमता था वो लेट। लपड़ को अगर देखो सामने, बिल्कुल नहीं हिलना इंसान, वाट लगी हुई उसे देखकर हिलना नहीं कहना आसान। सिक्योरिटी का इंतजाम चारों तरफ, हमने खुद को कैमरे में कैद कर लिया। लपड़ की भी निकल पड़ी सीसीटीवी में झलक दिखलाकर सेलिब्रिटी स्टेटस पा लिया। बीच में हॉरर नाइट्स विद लपड़ बड़ा ही फेमस शो चलने लगा। एक छोटे से बिल्ली के बच्चे को भी लपड़ कहकर लोगों को सनसनी फैलाने का मजा आने लगा। व्हाट्सएप में पुराने फोटोज और उल्टी पुल्टी खबर भेजकर बना रही थी सबको उल्लू, लपड़ को भी मिल गई फेम। आपको क्या मिला? बाबा जी का चुल्लो। ऑल आर कपिल फैंस हैं राइट? मी टू। हेरवा के तो चर्चे हैं हर एक्शन में यार, यहाँ के मसलों से डील करने को है पूरे तैयार। थ्री चेयर्स फॉर हिरवा एंड हीरानंदानी एस्टेट। छोटी छोटी मन मुटाव को भूल कर दिल के खोलो गेट। घर बड़े हैं, कार बड़े हैं, कभी कभी पूछ लेना खुद से क्या दिल भी इतने बड़े हैं। बैंक में पैसा भर देने से घर बन जाते हो सेठ। सोच हमेशा ऊंची रखना, भगवान के घर पे हम सब है केवल एक। कह सकते हो आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है। कह सको तो ये जरूर महसूस करके कहना मेरे पास सच्चाई है और एक प्यार भरा दिल भी है। क्योंकि ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बचके यह मुंबई मेरी जान। थैंक यू एंड हैव ग्रेट इवनिंग। थैंक यू सो मच।